इस हफ्ते हॉलीवुड की तरफ से एक्शन थ्रिलर डाइवर्जेंट रिलीज हुई है। डाइवर्जेंट एक फ्यूचरिस्टिक फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया नील बर्ग ने। इस फिल्म की प्रोटैगनिस्ट बियट्रिस ट्रिस प्रायर को शैलिन वुडली ने निभाया है। थियो जेम्स ने ट्रिस के सपोर्टिंग मेंटर विद बेनिफिट्स टोबियास फॉर ईटन का किरदार प्ले किया है। केट विंसलेट ने फिल्म के विलन जैनिन मैथ्यूज का रोल निभाया है। तो क्या यह पाप पैक एक्शन थ्रिलर आपको थ्रिल कर पाएगी, ये जानने के लिए देखिए मेरा रिव्यू। डाइवर्जेंट का प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड प्रोटैगनिस्ट ट्रिस, जो अपनी दुनिया के 5 फैक्शन यानी कि ग्रुप्स के बीच में अपनी आइडेंटिटी को ढूंढते हुए स्ट्रगल करती है। इस जर्नी के दौरान शी डिस्कवर्स कि वो डाइवर्जेंट है, जो कि कोई भी ग्रुप में नहीं फिट होती। सून ट्रिस रियलाइजेस कि फैक्शन लीडर डाइवर्जेंस को मारना चाहते हैं और अपने मेंटर फोर की मदद से इसे रोकने में लग जाती है। डाइवर्जन इनिशियली काफी एक्साइटिंग और ग्रिपिंग है, लेकिन इंटरवल के थोड़े पहले अपना मोमेंटम लूज कर देती है। सेकेंड हाफ में फिल्म अनबेरेबली लंबी है और उसके स्ट्रॉन्ग एक्शन सीन्स भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। ट्रिस का कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग बोल लड़की का है जो अपने सराउंडिंग्स को चैलेंज करती है। दिस कुड स्ट्राइक अ कॉर्ड विद ऑल द टीनेजर्स वेटिंग टू स्प्रेड देयर विंग्स। फिल्म के डायरेक्टर नील बर्गर की कोशिश फिल्म का रस्टिक डिलेबरेटेड लुक, रोमांस और लाइट हार्टेड मोमेंट्स को लेकर काफी हद तक कामयाब हुआ है, लेकिन ये फिल्म इंसेप्शन, हैरी पॉटर और हंगर गेम्स की याद दिलाती है। सो फॉर ऑल दोस लिटिल गर्लीज ट्राइंग टू फाइंड सम इंस्पिरेशन, डाइवर्जन डज गिव यू दैट इन बिट्स एंड पीसेस, बट फॉर द रेस्ट द फिल्म इज जस्ट अ यॉन। रेटिंग 2 स्टार्स।